आज मिल्क शेक बन गया है वही पियेंगे हम। अम्मी लेकिन बनाना शेक से प्यास थोड़ी ना बुझती है। अगर आपको इतनी प्यास लग रही है तो जाके पानी पी लो। आपको कौन सा रोज है? हाँ अम्मी यार हारिस के घर रोज ठंडा गुलाब बनता है। अच्छा बाकी तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते हो? हाँ हारिस के घर जाके इफ्तार कर लो। अम्मी यार अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, अगली बार जब आप रोजा रखोगे ना तो मामा आपके लिए जग भर के ठंडा गुलाब बनाएंगे। ठीक है प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। देख ले रोजे की हालत में आप। इधर आओ तुम्हें बताओ रोजे की हालत में। हाँ रोजा रोजा रखने में क्या है, आधा दिन तो सोता रहूंगा बाकी टाइम गेम्स खेलूंगा और स्कूल की तो वैसे ही छुट्टियां हैं और खाना तो मैं वैसे भी नहीं खाता, बस अम्मी बोलती हैं इसलिए खा लेता हूँ और भूख तो मुझे जिंदगी में नहीं लगती। लेकिन प्यास बहुत लगती है भाई। तुम्हें ठंडा गुलाबी पीना था तो मेरे घर आ जाते, तुमने रोजा क्यों रखा? कभी ना कभी तो रखना था ना, तो एक साइड का रख लेते। एक साइड मतलब? मतलब ये अगर राइट साइड का रोजा है तो लेफ्ट से खाओ, अगर लेफ्ट साइड का रोजा है तो राइट साइड से खाओ, जैसे मैं रखता हूँ। अभी कौन साइड का रोजा है? मेरा अभी खाने का रोजा है, मैं सिर्फ लिक्विड ले सकता हूँ। और ये जो तुम आइस वाली खा रहे हो? अरे पागल खा थोड़ी रहा हूँ, चाट रहा हूँ। Hulk smash. क्या मसला है, तंग क्यों कर रहे हो? प्यास लग रही है। कहते कि रोजे में ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे मुंह में टेस्ट आए, वैसे भी जब मुंह ड्राई होता है तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, पता नहीं उससे रोजा टूटता है या नहीं। तो वजू कर लो, वजू करोगे तो मुंह ड्राई नहीं होगा, मुंह ड्राई नहीं होगा तो प्यास नहीं लगेगी। वो अरे आप तो कितनी स्मार्ट है, मैं तो ऐसे अपने दोस्तों को बोलता था कि आप डफर हैं। Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Shush, 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 shush. Thanda gulab. Mera bachcha, chalo kitchen se bahar jao. Mama ko bahut sare kaam hai. और जरा देखो असर का वक्त हो गया, जाओ वुजू करो, नमाज पढ़ो। अम्मी वुजू तो मैं सुबह से 10 बार कर चुका हूँ। हैं क्या मतलब? देखें जब हम वुजू करते हैं और वुजू में हम कुल्ली भी करते हैं तो कुल्ली जब हम करते हैं तो मुंह ड्राई नहीं होता ना और रोजा भी नहीं लगता। देखो रोजा जो होता है वो हम अपने लिए रखते हैं ना, अपनी खुशी से अल्लाह मियाँ के लिए, है ना। अब जब आप रोज़ा रख के बार बार कुल्ली करोगे तो इससे लगेगा कि जैसे आपने रोज़ा रखा है लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, इसलिए जब रोज़ा रखो तो उसे बर्दाश्त करना भी सीखो। ओके ओके अब चलो मेरा हल्क, किचन से जाओ, मामा को बहुत सारे काम है। ओके ओके हुक स्मैश। या अल्लाह ये क्या कर दिया तुमने, हटो यहाँ से, मना किया था ना किचन में मत आना, सारा शरबत गिरा दिया, रिजाया कर दिया, अब चूंटियां आएंगी और क्या होगा। रिजाया तो नहीं हुआ, चूंटियां पी लेंगी। अच्छा सॉरी गलती से हो गया ना। सॉरी गलती से हो गया, आईना तुम्हारी मुझसे गलती का वर्ड सुनू फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो यहाँ से, मैंने बोला था ना वुजू करके नमाज पढ़ो। पता नहीं और कौन सी गलती कर दी मैंने, एक तो ये अम्मी लोग अगर डांटना हो ना तो 1000 साल पुरानी चीज याद रख लेते हैं और अगर आप एक भी अच्छा काम करो ना वो नहीं याद रहते इनको। वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ होता है लेकिन अगर मुझसे गलती हुई तो मेरा कसूर क्यों भाई क्यों।
अगर मेरे नसीब में तो उन चींटी के नसीब में हो गया। रोजे में भी ना ये सब बड़े लोग ना अजीब हो जाते हैं। जैसे देखो मेरा भी तो रोजा है। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा तो रोजा टूट चुका है, तुम इतने कैसे केयरलेस हो सकते हो? मुझे देखो सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ लिक्विड डाइट पे जिंदा। यार गलती हुई, भूल गया था, मम्मी को बता दूं क्या? हाँ हाँ बताओ, कि पहले मैंने जग तोड़ा फिर रोजा। बिल्कुल भी दिमाग में याद नहीं था कि रोजा है। जब एग्जाम में जवाब जहन से निकल जाता है ना, अंडा मिलता है अंडा। यार कुछ तो तरीका होगा ना गलती सुधारने का। सॉरी मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तुम्हारी रोजा खुशाई भी थी। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ रोजा खुशाई से याद आया, मुझे तुम्हारे घर तैयार होके आना है। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया था, नया वाला फीफा। अब पता नहीं तुम्हें देना चाहिए या नहीं। अब तुम ये पूरा समोसा खा सकते हो, मैं जा रहा हूँ। जी अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मी वो मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। प्रॉमिस करें डांटेंगे तो नहीं ना? आई प्रॉमिस। अम्मी वो मैंने ना गलती से रोजे में ना समोसा खा लिया था, लेकिन आपने तो बोल दिया था कि गलती का नाम नहीं लेना। मेरा बच्चा इधर आओ, कोई बात नहीं इधर बैठो। मेरा रोजा टूट गया? नहीं मेरा बच्चा, ऐसे ही थोड़ी ना रोजा टूट जाता है। मतलब ये कि अगर आप गलती से भी पेट भर के खाना खा लो ना, तो आपका रोजा नहीं टूटता। देखो हम तो इंसान है ना, और इंसानों से गलती हो ही जाती है। अब जैसे आपकी मामा से भी गलती हो गई थी ना, मैंने आपको कहा कि आइंदा गलती से भी गलती का नाम मत लेना। आई एम सो सॉरी। और देखो अल्लाह मियाँ तो इतने बड़े हैं, इतने अजीम हैं, इतनी छोटी सी गलती तो वो माफ़ कर ही देंगे। और उनको पता है आपने गलती से समोसा खा लिया था। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगोगे ना, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। मतलब मेरा रोज़ा नहीं टूटा? बिल्कुल नहीं टूटा। ओके अब मामा चाय बना ले, डोंट वरी मेरा बच्चा। मैं तो डर ही गया था। वैसे ठीक ही बोलते, सब कुछ लिखा हुआ ही होता है। वो समोसा मेरे नसीब में था, आधा ही सही और गलती से सही, बाकी का समोसा पता नहीं किसका नसीब में। मैनेज कर लूंगा, तो मुझे टमाटर की बस रेट बता दो। पर रमजान तो बरकत का महीना है ना? यही तो है वो बरकत का महीना।